माननीय नगर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया जी, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करें। मंच पर आसीन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारी आदरणीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण और अयोध्या नगरी में उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। आज का दिवस मेरे भाई और बहनों एक ऐतिहासिक दिवस है। वो दिवस है जिसके लिए हजारों सालों से इंतजार था, वो समय निकट आ चुका जिस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प था, उस संकल्प के आधार पर हमारे सूर्यवंशी अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की दोबारा पुनः स्थापना प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में की जाने वाली है। और उसी के तारतम्य में, उसी सोच और विचारधारा के साथ, अगर अयोध्या को भारत के मानचित्र पर नहीं विश्व के मानचित्र पर लाना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो आज प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं केवल रेल की सुविधा के साथ नहीं, लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा के साथ साथ, ताकि देश की एक एक जन जन इस अयोध्या नगरी के साथ जुड़ पाए। और धारा है भारत की अमृत काल की इस पी, भारत एक तरफ एक आर्थिक नक्षत्र की तरह, दूसरी तरफ भारत प्रधानमंत्री जी का संकल्प नक्षत्र की तरह भी उभरे, चाहे देवघर श्रीनगर का एयरपोर्ट हो, अयोध्या धाम का एयरपोर्ट, मेरे राज्य में महाकाल लोक का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो, विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर उभर रही है। दिनों में 22 तारीख को भारत की द्वीप पुनः ज्वलित होगी और इसे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की आत्मा की ज्वाला है, उनके कर आएगी। हवाई अड्डे का निर्माण प्रधानमंत्री जी का, ऐसा भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसका विश्व, और हमारी कोशिश रही है इस 500 करोड़ रुपए जहां करीब करीब 10 लाख यात्री प्रति वर्ष, उसी के साथ भारत की कला का एक एक नक्षत्र भगवान श्री शैली को लेते हुए कोने कोने में अंकित की, पटचित्र हो या हमारी बिहार की मद, उसी के साथ राजा रवि वर्मा जी की कारी आंध्र प्रदेश की हो, हर नई अंकित की गई है हमारी कला और हमारी सोच। और ये मात्र शुरुआत है प्रधानमंत्री जी की सोच, इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए, 30 मीटर का रनवे बनेगा, देश नहीं विदेश, बोइंग 777 और एयरबस 350 भी करेंगे, यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प। उसी के साथ जहां 65,000 स्क्वायर फुट, वही 5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट जा रहा है अयोध्या के अंदर मेरे भाई और बहनों। और जहां प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से की शुरुआत हुई है, वही इसी एयरपोर्ट और एयर इंडिया के दो दो विमान देश राजनीतिक राजधानी दिल्ली को देश की धार अयोध्या के साथ जोड़ने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। दिनों के अंदर भारत के कोने कोने को जोड़ा जाएगा, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई,
कोलकाता हो, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। सबसे बड़ी कोई शक्ति है जो विपक्षी अयोध्या को कभी मान सम्मान नहीं दिया, प्रधानमंत्री संकल्प लिया कि अयोध्या को विश्व पटल, जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते थे, श्री राम केवल काल्पनिक है, अगर तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और वो गारंटी प्रधानमंत्री सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिन्होंने 2020 श्री राम का हमारे मंदिर का शिलान्यास करवाया, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिसके आधार पर एक नवीन हवाई अड्डा और रेल स्टेशन की सुविधा मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब लोग करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय